अगस्त 2018 में जनाब इमरान खान साहब ने 176 वोट लेकर वजीर आजम बने थे और 2.5 साल बाद माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सुरखुरू कौमी असेंबली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 178 अरकान का वज़ीर-ए-आज़म पर इजहार एतमाद। स्पीकर असद कैसर ने वोटिंग मुकम्मल का रिजल्ट सुनाते हुए कहा, इमरान खान अगस्त 2018 में 176 वोट लेकर वज़ीर-ए-आज़म बने। आज 178 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। ऐलान होते ही अराकीन के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक में नारे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एतमाद का वोट लेने के बाद कौमी असेंबली में खिताब। मजीद बोले, हमारी खातून मेंबरांस को कॉल्स आए कि 2 करोड़ से सीट का रेट शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन सीक्रेट ब्रीफिंग ले, फिर पता लगेगा कि सेनेट इलेक्शन में कितना पैसा चला। तब आप ये नहीं कहेंगे कि आज़ादी पर हमले की कोशिश की गई। नवाज शरीफ एक है जो झूठ बोलकर मुल्क से भागा हुआ है। वफाकी काबीना को बताया गया था कि नवाज शरीफ इतना बीमार है जहाज तक भी ना जा सकेगा। नवाज शरीफ की बीमारियां सुनकर शीरी मजारी के आंसू आ गए। स्पीकर साहब, शीरी मजारी के आंसू आना इतना आसान नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वाज़े अक्सरियत से जीत, इत्तेहादियों की मुबारकबाद। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद बोले, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए जितनी मेहनत इमरान खान ने की आज तक किसी ने नहीं की। आपको नई सियासी जिंदगी गरीब के लिए मिली है। इक्तदार के दिन चुटकियों में निकल जाते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक बातें करता रहेगा, आप आम आदमी के लिए निकले। इत्तेहादी आपके साथ खड़े थे और रहेंगे, अब आपकी बारी है। एतमाद कौम को लौटाएं और दिखाएं कि तब्दीली आपका नारा नहीं, इरादा है। उम्मीद है कि वादे वफा होंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। GDA रहनुमा फहमीदा मिर्जा बोली, आज वज़ीर-ए-आज़म को वोट लेने की जरूरत नहीं थी, सोचना चाहिए ये नौबत क्यों आई। क्या हम सब ऐसे ही चलते रहेंगे? वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्शन और पुलिस रिफॉर्म लाने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद की करारदाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पेश की। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन बेंचेस पर नोट को इज्जत दो के नारों वाले बैनर्स रख दिए। जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल अकबर चित्राली आए और गैर जानबदार रहे। स्पीकर असद कैसर और मुस्ताफी रुकन फैसल वावडा ने वोट नहीं डाला। नतज का ऐलान होने के बाद आमिर लियाकत ने हदिया नात पेश किया। मेहमानों की गैलरी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स और पंजाब सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला समेत अहम शख्सियात मौजूद रहे। PTI कारकुनों का पार्लियामेंट हाउस के बाहर जश्न। कारकुनान का इजहार मुसर्रत और वालेहाना जोशो खरोश। वज़ीर-ए-आज़म के हक में नारे। लाहौर में भी PTI के कारकुनों का जश्न, खवातीन भी शरीक। इमरान खान को एतमाद का वोट मिलने की खुशी में सियालकोट में भी PTI कारकुनों के नारे। कौमी असम्बली का जाली इजलास बुलाया गया। हम एतमाद के वोट को तस्लीम नहीं करते। बद अखलाकियों से मुल्क नहीं चला करते। आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, इलेक्शन से पहले कौम को झांसा दिया गया। अवाम अब मजीद धोखा नहीं खाएंगे। PDM का इस्लामाबाद में सिंध हाउस में पड़ाव। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो समेत दोनों जमातों के सीनियर रहनुमा मौजूद। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मीडिया ब्रीफिंग भी होगी। उधर PDM का सरबराही इजलास 8 मार्च को तलब कर लिया गया।
फैसल वावजा का बयान हल्फी बादियों नजर में झूठा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावजा के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 13 सफात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया। इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात करके मुनासिब हुक्म जारी कर सकता है। और आईसीसी ने रवां साल टी20 वर्ल्ड कप का इनाकाद बड़ा चैलेंज करार दे दिया। सीईओ का कहना है कि टी20 वर्ल्ड कप कराना चैलेंज है, भारत के बैकअप के तौर पर यूएई के वेन्यू को रखेंगे, पीएसएल और दीगर लीग्स के इल्तवा से सबक सीखेंगे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या कनाबदो व या कनस्ताइन। मैं सबसे पहले अपनी एलाइड पार्टीज, अपने इत्तेहादियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी भी और हर मुश्किल वक्त में जिस तरह आप मेरे साथ खड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस, अपनी टीम का, मैं आपका शुक्रिया अदा इस तरह करता हूँ कि मैंने जो आपकी कल शाम को जो आपके हालात देखे तो मुझे ये एहसास हुआ कि आप सबको बड़े दिल से तकलीफ थी कि जो हमारा वो सेनेट का ये इधर हफीज़ शेख के इलेक्शन में जब हारे हैं, तो मैं जो आप सबको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे एक टीम आप में नज़र आई और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हमारी टीम मजबूत होती जाएगी, क्योंकि देखें अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार आजमाऊंगा। अल्लाह कुरान शरीफ में हमें कहता है, वो क्यों कहता है? वो आपके ईमान को आजमाता है मजबूत करने के लिए। जब आप एक मुश्किल वक्त से निकलते हैं आप और मजबूत हो जाते हैं। अल्लाह ने एक इंसान को एक ऐसा चीज, एक ऐसा उसका जो सबसे बड़ी जो उसकी मखलूक है, अशरफुल मखलूकात, उसको जो अल्लाह ने बनाया है उसके अंदर उसने एक 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 कंडीशन लगा दी है कि अगर आपने बड़ा इंसान बनना है तो मुश्किल वक्त का सामना करो, रेजिस्टेंस के साथ जाओ। जिस्म हमारा ये है, जिस्म को हम भारी वेट उठाते हैं, जिस्म तकड़ा हो जाता है। ज़ेहन को जितना हम आजमाएंगे और आजमाइशों में डालेंगे, सबसे बड़ा जो पावर हाउस है वो हमारा ज़ेहन है, वो और तकड़ा हो जाता है, इंसान तकड़ा हो जाता है। पार्टी भी तब तकड़ी होती है जब वो मुश्किल वक्त से निकलती है। आपने किसी को तबाह करना है तो उसको आराम की जिंदगी दे दो, वो तबाह हो जाता है, डिके कर जाता है इंसान। तो मैं अपनी पार्टी को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप इस मुश्किल वक्त से निकले। बड़े मुझे इंडिविजुअल एमएनएज का पता है कि उन्होंने कितनी कोशिश की यहाँ पहुँचने के लिए आज इस वोट के लिए, तो मैं और मुझे कईयों की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं आप सबका आज शुक्रिया अदा करता हूँ।